मैं इस वक्त सिंध वाइल्ड लाइफ म्यूजियम में मौजूद हूँ और यहाँ पे आपको बहुत सारे जानवर और परिंदे प्रिजर्व हुए मिलेंगे। और यहाँ पे मेरे साथ इस वक्त आदिल खान साहब मौजूद है, जो कि इस डिपार्टमेंट के जो HOD है, उनके पर्सनल असिस्टेंट है। और उनसे पूछते हैं कि जितने भी यहाँ पे जानवर मौजूद हैं किस तरह से प्रिजर्व होते हैं और सिंध वाइल्ड लाइफ बेसिकली कर क्या रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम सर, मुझे तो सबसे पहले जितने भी प्रिजर्व एनिमल्स है ना, उनके हवाले से थोड़ा सा बताइएगा, यही से शुरू कर लेते हैं। जी, हम इस वक्त मौजूद है सिंध वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के म्यूजियम में, जो 1994 के बाद 2021 में दोबारा रिस्टोर हुआ था। ठीक है। और हमारे एटम डिपार्टमेंट है जावेद अहमद जी परसेंट एफर्ट से, और इस म्यूजियम का जो इनॉग्रेशन किया था वो बिलावल भुट्टो साहब ने। ठीक है। और यहाँ पे जो एनिमल्स हैं ये सारे रेल हैं। अच्छा। स्किन्स रेल होती हैं, स्किन रेल बॉडी जो है वो फाइबर की होती है। ठीक है। और इस आर्ट को टैक्सीडर्मी कहते हैं। टैक्सीडर्मी का प्रोसेस बिल्कुल। ये सिंध आइबेक्स है, जो हमारे वाइल्ड लाइफ का लोगो भी है। ठीक है। कीथर नेशनल पार्क में पाया जाता है। कीथर नेशनल पार्क। जी सही थिंग। ये डियर है बिल्कुल। ये हॉग डियर है, जो रेन फॉरेस्ट में होता है। सही सही। और इस साइड ये चिंकारा है। ठीक है। और बहुत खूबसूरत स्टफ किया हुआ है ये। बिल्कुल बहुत खूबसूरत। जी बिल्कुल। पीछे आपके बैक पे ये फैल्कन्स की स्पीशीज हैं, और इधर आ जाए तो ये टाइगर है। ये इंडियन बॉर्डर क्रॉस करके अभी रिसेंटली आया था। अच्छा। हर के एरिया में वहाँ के मुकाबी लोगों ने इसको मार दिया था, फिर तो स्टफ करके यहाँ रखा, हमने उनके ऊपर जुर्माना किया। अच्छा। ये स्ट्रिप ईगन है। ईगन है। कीर्तन नेशनल पार्क में होती है। सही। जो 1200 स्क्वायर माइल पे है। अच्छा। कराची से लेके जाम शोर तक। ठीक है। तो ये वहाँ पाई जाए। ये हमारे सारे सिंध के स्पेसिफिक सारे जानवर परिंदे। और इधर ये जैकल है। ये उबारा बस्टर्ड है। ये माइग्रेटरी बर्ड है। बिल्कुल ऐसे ही। साइबेरिया से माइग्रेट होके आती है, इसको उर्दू में तलोर कहते हैं। ये स्कल स्केलेटन्स हैं, टर्टल्स के हैं। अच्छा। ये कराची में एक्चुअली हमारे साहिल में 3 किस्म के टर्टल्स की स्पीशीज आती है। ग्रीन टर्टल, ऑलिव रेड ने, लेदर बैग। सही। लेदर बैग तो खैर बिल्कुल ही नहीं आता, 70s के बाद साइड ही हुआ। अच्छा। तो ये लेदर बैग है, ये उस पे हेड है। इनका साइज तो बहुत बड़ा लग रहा है। लेदर बैग सबसे बड़े साइज का। बिल्कुल, क्योंकि उसके स्कल से भी महसूस हो रहा है। ज्यादातर हमारे ग्रीन टर्टल्स आते हैं। ये क्रेन है, जिसे कूंछ कहते हैं। कूंछ बिल्कुल ऐसी है। ये कोबरा है, जख्मी हालत में मिला था। अच्छा। सर्वाइव नहीं हो सका तो। और इसको कितना अर्सा हो गया? इसको 3 साल हुए। 3 साल हो गए। और इसकी एज कितनी होनी है इस टर्टल की? ये एज बहुत ज्यादा होती है, इनका 100 years plus होती है। 100 years टोटल जो होते हैं ये, मतलब यहाँ बहुत ज़्यादा, मतलब हमारी एक्सपोर्ट जो है ना वो 70% फिशरीज पे है। बिल्कुल। टोटल्स अगर ना हो तुम्हारी एक्सपोर्ट ख़त्म हो जाए। अच्छा। टोटल्स को अल्लाह तक एक हमारा एक इकोसिस्टम होता है, बैलेंस होता है, अल्लाह ताला ने किसी चीज़ को बेकार नहीं बनाया हुआ। ये टोटल्स जो होते हैं ये समंदर में जब बहुत डीप सी जाते हैं, ये समंदर की सफाई करते हैं, और सबसे बड़ी बात ये गार्डनर हैं कुदरती। समंदर में जितनी घास होती है जो बड़ी हो जाती है, ये इसको साफ करते हैं। सारा दिन घास इस तरह साफ करते हैं जैसे आपने कोई मशीन चलाई है। अच्छा। गार्डनर जो नेचुरली अल्लाह ताला ने सिस्टम एक सारा होता है। फिश और प्रॉन्स जो अंडे देते हैं, जो कि बच्चे अगर घास बड़ी हो तो उसी में मर जाएंगे। अच्छा। ये जो सफाई करते हैं, जो गार्डनिंग करते हैं, उसकी वजह से पॉपुलेशन ग्रो करती है और हमारी सही हो गया। और इनको प्रिजर्व किस तरह से किया जाता है, थोड़ा सा प्रोसेस? हाँ, इन जो आपको मैमल्स नजर आ रहे हैं बर्ड्स, इनकी हम जब इनकी डेथ हो जाती है, अच्छा जो हम जितने भी एनिमल्स हमने ऑब्जर्व किए हुए वो सब है जिनकी तकरीबन सिवाय इस टाइगर को छोड़ के। अच्छा। नहीं किया था, सब नेचुरली जब इनकी डेथ हो जाए, नेचुरल डेथ के बाद हो जाए तो हम प्रिजर्व करते। अच्छा। वैसे तो अगर जानवर मर जाए, डेथ हो जाए, तो दो तरीके होते हैं, या तो जमीन में दफन कर दें, जिससे फिर हमारी दूसरी चीज़ें बहुत सारी होती हैं, और कुछ हम एनिमल्स जो होते हैं उनको हम स्टडी पर्पज़ की वजह से, क्योंकि जू और म्यूजियम में फ़र्क यही है। जू में आप एनिमल जो होते हैं वो दूर से देख सकते हैं, नॉट फॉर द स्टडी पर्पज देख सकते हैं हम। अब म्यूजियम में आप डिटेल में देख सकते हैं, चूहे देख सकते हैं, इसमें रिसर्च के लिए, एजुकेशन के लिए कुड डू दिस। और यहाँ पे
ये कौन सी टाइप है? 5 क्रोकोडाइल। ठीक है, क्रोकोडाइल निजी लेक में पाया जाता है। अच्छा, जो डिस्ट्रिक्ट हट्टा में है। सही सही। और इनके स्कल्स इसी की पड़े हैं? कुछ इनके भी हैं, ये टर्टल के हैं, बाकी इनके स्केलेटन्स हैं। सर ये हमारे पास से भी डिफरेंट है, हमारे पार्क में पाए जाते हैं। बिल्कुल सब ऐसे लग रहे जैसे वियर्न है, बिल्कुल फील नहीं हो रहा इनको, स्टफ क्या है। अच्छा, ब्लैक बक की पहचान इसलिए भी हो गई है कि वो आपको याद होगा कुछ काफ़ी साल पहले सलमान खान एक हंट में पकड़ा गया था, इंडियन एक्टर, वो यही ब्लैक बक है। अच्छा, हंटिंग बेसिकली, और जो केसेज अभी भी चल रहे हैं इंडिया में। अच्छा, उस बेसिकली हंटिंग अलाउड नहीं है ना, तो किस तरह से फिर इसको टैकल कर रहे होते हैं? जैसे आपने कहा कि वो उन्होंने मार दिया उसको ना, हमारे लोकल से जुर्माना करते हैं। ठीक है, जुर्माना कर। वाइल्ड लाइफ का अपना लॉ है, हमारा अलग लॉ है। अच्छा। जो अभी रिसेंटली दोबारा से इसको हमने रिवाइज किया है, बाकायदा असेंबली से पास कराया, लॉ डिपार्टमेंट से पास हुआ है। तो उस लॉ में हमें, क्योंकि जब आप किसी केस के ऊपर किसी पर भी आप लॉ सख्त कानून सख्त बनाए, उन पर जुर्माना ज़्यादा करें, तो जब भी वो चीज़ रुक सकती है। अच्छा, मुझे कुछ रिप्टाइल्स भी वहाँ पर नज़र आ रहे थे, तो उनको भी चल के देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे कुछ रिप्टाइल्स प्रिजर्व्ड है, तो ये वो रिप्टाइल्स हैं जो सब रेयर हैं? इसमें रेयर रिप्टाइल्स भी हैं। ठीक है, ये सारे वेनमस है, ये जो कॉर्नर है। अच्छा, इसमें इससे एक्स्ट्रा अगर आ जाए तो यहाँ पे आपको ब्लैक कोबरा, इंडियन कोबरा मिलेगा। सही सही। संचूर मिलेगा। ठीक है, इंडियन क्रेड है। ठीक है, और डेजर्ट वाले स्नेक्स, ये ऊपर सारे हमारे पास लिजर्ट्स का। ठीक है, ये सारा कॉटन लिज़र्ड का मॉनिटर लिज़र्ड थिंग। मैं एक लिज़र्ड है जो जिसका बड़ा फेयर है इंटीरियर में हमारे से। अच्छा, उसको हणखड़ कहते हैं। हणखड़, हणखड़ सिंधी एक वर्ड है, इसका मतलब है हणखड़, अभी काटो अभी ले जाओ। अच्छा, ये वेनमस है लेकिन इतनी नहीं है जितना इसका खौफ है। अच्छा। अगर ये कहीं कोई देख ले तो वो खौफ से, काटे से पहले खौफ से ही बन जाएगा। वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के हवाले से बताएगा कि काम क्या कर रहा है बेसिकली? देखिए, सिविल लाइफ डिपार्टमेंट जो है हमारी फोर्स रही है, जैसे पुलिस डिपार्टमेंट है ऐसे हमारी वाइल्ड लाइफ की है। जो हम इलीगल एक्टिविटीज़ जो होती है हंटिंग के हवाले से, पोजीशन होती है, ट्रेड करते हैं, हमारी पूरी फोर्स है, हमारे इंस्पेक्टर्स हैं और ये वॉचर्स हैं, ये हम ऑफिसर, फील्ड ऑफिसर्स हैं जो ये रोकथाम करते हैं। रेस्क्यू डिपार्टमेंट भी है, जो हमारे जो एनिमल्स हैं, वाइल्ड एनिमल्स या बर्ड्स या रेप्टाइल कहीं किसी जगह आ जाए, या तो लोगों को नुकसान दे या उन बचाओं को नुकसान लोग पहुंचाएं, तो हमको रेस्क्यू करते हैं। ठीक है, जो मैमल्स होते हैं वो हम नेशनल पार्क में रिलीज करते हैं। अच्छा, अपने नेशनल पार्क, जो हमारा वाइल्ड लाइफ का कितने नेशनल पार्क है। अच्छा, जो कराची से शुरू होता है जामशोरों तक जाता है, टोटल 1200 स्क्वायर माइल पे। अच्छा, फेंस लगी हुई है। सही सही। और यहाँ हमारे सारे एनिमल्स रखे हुए हैं, वहाँ हम इनको रेस्क्यू करते हैं। और बर्ड्स जो होती हैं, जो हमारी छट्टा में लेक है, कराची के हवाले से बात करता हूँ, तो कराची में जो हमारे जी में रिलीज़ करते हैं। ठीक है, वैसे तो ऑल ओवर सिंध जो है हमारा रेस्क्यू डिपार्टमेंट है, वो जो करीब तरीन जो जगह हैं, जैसे अगर ये लाड़काना में कोई रेस्क्यू करेगा तो लंग लेक, ड्रिग लेक है हमारे, ठीक है, वहाँ रिलीज करेगा। तो मौजूदा जगह टोटल 5 डिवीजन है सिंध में, तो हर डिवीजन में और हर डिस्ट्रिक्ट में ऑफिस है हमारा। ठीक है, तो वहाँ सब ये हमारे जो इंस्पेक्टर्स वगैरह, जो हमारा फील्ड स्टाफ है, वो काम कर रहा है। बहुत बेहतरीन से वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट में बहुत बेहतरीन काम कर रहा है। थैंक यू सो मच। थैंक यू।